पति पत्नी के नाम के बाद में पति के नाम या फिर पिता के नाम ये आते, आप मन के नाम के बाद में मन्नू विजेता यादव, एकर पीछे की का मानते हो? राजनीति में आपसे बड़े हो गए या फिर आप मन सीखते हो घर से? ये हिसाब से आज हमन जब विजेता चुनाव लड़ीस तो विजेता मन्नू यादव के नाम दिए, और आज जब हम चुनाव लड़े तो हम अपन पत्नी छोड़ नहीं सकन जब तक के संसार है, तो ओकर नाम ला भी हमारा फर्ज है कि ओकर नाम ला आगे रखन। वही प्रकार मन्नू विजेता के नाम और उस समय निर्दलीय आप मन उठे, होकर बाद में फिर कांग्रेस में आ गए हो, यहाँ ए पार्टी में आए से के काप के विचार रही से कावरे में आ गए हो? मन्नू जाको अगर मन से हाथ पैर जोड़ के निवेदन करके भी मैं चुनाव लड़ूं, आप मन के सहयोग रही, बिल्कुल सहयोगी बेटा, आप मन चुनाव लड़ा बोलिस तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी सिंबाल ने मिलिस, तो फिर निर्दलीय रूप में उक्त सूरत छापला हम ला के फिर चुनाव लड़ेन। कौन कौन से ऐसे विकास हवे जे अभी तक आप मन के कार्यकाल में पूरा हुई? ओकर ले जब मांग करें यहाँ रायपुर नगर निगम के महापौर जो एजाज देवर है, ओकर माध्यम से हम मांग करें कि भैया ये समस्या है लगीस कि जब बारिश हुई पहली बारिश मोर कार्यकाल के, तो महापाल ला फोन करें भैया वो दिन गणेश जगन्नाथ भगवान निकले रहीस, खूब बारिश हो रही, तो फोन करें भैया यहाँ पूरा हर घर में पानी भरा गए है, आप सेम आके देखो। आपके नज़र में कौन कौन से ऐसे समस्या रही से जिला आपन पूरा करे की कोशिश करे जो जोन अध्यक्ष बनने के बाद में? ओकर जवाबदारी है कि अपन क्षेत्र ला वो मूलभूत समस्या ला वही समझाए, मोर अधिकार नहीं हमें, भले मोल अधिकार के बना दे हो जवाबदार व्यक्ति, लेकिन मोला कहीं दूसरा वार्ड में दखल देख मोर आदत नहीं है भैया। ठगा थे लेकिन एक जिस शिकायत है आप मन के वार्ड के जो लोगन हावे उकर मन के कि साफ सफाई लेके शिकायत हावे कि साफ सफाई ठीक से नहीं हो पाए, क्या सही में है मच्छर पनपत है ये सब बात तो आते? आपके जो वार्ड के परिवार, जो हमारे वार्ड के परिवार जो आप कर बात रखे है कि साफ सफाई बराबर नहीं हुआ, तो वो एकदम सत्य बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुंहर पार्षद तुंहर सवाल, और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। हम इस समय मौजूद है राजधानी रायपुर में, और राजधानी रायपुर उस लिहाज से देखा जाए नगर पालिका यहाँ का बहुत बड़ा है, 70 वार्ड आते हैं, और लगातार हम अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं और पार्षदों से मिला रहे हैं और साथ साथ लोगों की प्रतिक्रिया से भी आपको रूबरू करवा रहे हैं। और इसी क्रम में हम इस समय वामन राव लाखे वार्ड में इस समय हम मौजूद हैं, और वहीं के पार्षद इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के, आप मन बोलो छत्तीसगढ़ी में हमारे इंटरव्यू करूँ तो हम छत्तीसगढ़ी में आप मन की इंटरव्यू करा था, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत अच्छा बात है और बहुत अच्छा हमारे साथी आए जो आज हमार पारा के, हमारे गाँव के, हमारे वार्ड के, जो हमारा सबसे पहले तो हमारे धरती में, ये पारा में, ये गांव में हम सब के बहुत दुलारी हमार महतारी, जेकर नाम से आज छत्तीसगढ़ के दो ऐसे स्थान है जहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, वो सबके महतारी है, जो दाई दंतेश्वरी के नाम से सब देश ये धरती जानते, आज वही दाई दंतेश्वरी के आप जे कृपा है कि हमार कुशालपुर प्रोफेसर कॉलोनी जिसे वामन रोलाखे वार्ड के और आस पास के भी वार्ड के परिवार, वो दाई की कृपा से आज सब कर मंगल कुशल से अपन जीवन के सुख शांति के साथ यहाँ पे हम अपन परिवार के दुख सुखला बांटत, ये धरती में हम चाहे राजनीति क्षेत्र बोलबो चाहे पारिवारिक या सामाजिक, हम सब परिवार यहाँ पे बहुत अच्छा परिवार है आपके लिए, हमारे लिए जो आज ये सब के साथ मिलजुल के हर काम ला एक दूसरा हाथ बटा के अपन ये क्षेत्र में हमला यहाँ पे आज जो मन्नू विजेता यादव के नाम दे है, यही परिवार है ये वामरला खेवाड के या रायपुर के की मुला, आज मन अपन एक माँ जैसे 10 महीना 9 महीना रख के कोख में जन्म दे के जो धरती में लाते, वही प्रकार मोला ये परिवार मोला अपन मेहनत से अपन लगन से अपन मन धन से मोला यहाँ जन्म दे है, जो मन्नू हमार मन्नू के मन्नूला यदि हम पार्षद बनाबो या यला पार्षद के रूप में नहीं अपन बेटा बना के अपन भाई बना के मोला यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि के रूप में उमन अपन मोला अपन सामने 24 घंटा मोला आशीर्वाद देते। मन्नू विजेता यादव जी आप मन के नाम हैं,
लेकिन हमारे कार्यक्रम के जो पहली पड़ाव रहते कि हम हर प्रत्याशी या फिर हर जो राजनीति से जुड़े इंसान हैं ओकर जिंदगी के बारे में जानना चाहतन, और खासकर हमारे दिलचस्पी भी रहते कि वो कैसे संघर्ष करी, काबर राजनीति में इस का कुछ महत्वाकांक्षा लेके आए। आप मन अपन जीवन के बारे में बताओ, ओकर बाद में फिर चर्चा में आगे बढ़ो। ऐसे है मोर साथी भैया हो कि मैं बहुत छोटे परिवार और बहुत गरीब परिवार के लड़का हूँ, जो कि मोर बाबूजी एक बगैर पढ़े लिखे जेल अनपढ़ बोलता वही रूप मोर माता पिता रही से, आज तो नहीं है। ये दर्शियों का आगे पास की गांव देवरी मनोहरा, वहाँ के हमारे मूल निवासियन भैया। अच्छा। और जब हम हमला जन्म दीस हमला संभालीस तो हम 7-8 साल के लगभग उम्र से हमारे माँ पिताजी यहाँ खाए कमाए बर आइस रायपुर में। तो हमारे माता जी से हम ये संसार के जो यादव बोलते हो जो राउत बोलते हो हम वो कुल के परिवार, और हमारे धर्म बोलते हैं कि हम दुनिया के सेवा करके अपन घर परिवार ला चलाने वाला परिवार हन। वही प्रकार हमारे बाबूजी बगैर पढ़े लिखे अनपढ़ रही से बेचारा आके यहाँ के बाँस टाल में ठेला चलाए और वो ठेला के मजदूरी करके अपन घर ला पालन पोषण करा। हमार महतारी जोरी से तो पहली आजाद चौक के निवासी रहन, वहाँ भी ब्राह्मण पारा के कई घर ला बर्तन चौका करके हमार महतारी हमला छोटे बड़े करीस। ओकर बाद वो 1984 में धरती ला ककरो से 2 रुपया में लेन देन करके थोड़ी झोपड़ी बना के आज कुशालपुर निवासी के रूप में रही से आज मतलब छोड़ के चले गए हैं। और आज हमन होकर औलाद यहाँ पे आपके बीच में हमन और एक कुशालपुर के बीच में एक छोटे लड़का के रूप में हमन अपन जीवन बिताते हैं। रायपुर जैसे अति बड़े शहर में पार्षद के चुनाव लड़ना और जैसे आप मन की स्थिति ला अपन बतात हो, मुझे लगे नहीं कि इतना विपरीत परिस्थिति में आप मन जीत क्या हो। आपसे पहली आपके धर्मपत्नी भी पार्षद रही से, तो ये राजनीति में आना कैसे हो गए? राजनीति में आना ये हुई भैया कि हमारे साथी यहाँ पे जब हम कुशालपुर प्रवेश करें ओकर बाद फिर वापसी जहाँ पे रोजी रोटी अपन करत धीरे धीरे हम जब यहाँ चुनाव माहौल आते तो चुनाव माहौल में लगीस कि नहीं कोई भी यहाँ के जो पार्षद पद के प्रत्याशी रही से बोला लगीस कि मन्नू हमारे काम करी तो शायद मन्नू होकर बात हुई जेकर नाम यहाँ पे पूर्व पार्षद रही से रमेश सिंह ठाकुर। ये 1998 की बात है, 1998 के और वहाँ चुनाव लड़ी सोकर साथ हम यहाँ पे बोला चुनाव के माध्यम से जहाँ भी प्रचार करत बनी प्रचार करें बोला जितवा के लान ओकर बाद से यहाँ लोगन के ओकर साथ साथ ओकर बीच में हम लोगन के दरवाजा में गेन कभी नाली साफ करान तो कभी पानी पिलान तो कभी राशन कार्ड बनान अनेक प्रकार के काम ये परिवार के बीच में हम जा करें। जब हम लोगन यहाँ जाने लगे कि मन्नू काम करने वाला लेकर है तो हम ओकर काम करत करत आज यहाँ पे हमला अपन बीच में बिठा ले परिवार है। और वही प्रकार हमला विश्वास करके जब 2009 में जब यहाँ पे पिछड़ा वर्ग महिला जब यहाँ पे रायपुर में जब ऐसा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है हमारे यहाँ पत्नी ला विजेता यादव ला यहाँ पे टिकट दीस और टिकट देख चुनाव लड़ीस। ओला यही परिवार है जो उस समय 9,000 मतदाता रही से जो कि 6,300 वोट से बोला लीड से बोला 2369 वोट से लीड से पार्षद बना के बोला जनप्रतिनिधि बना रही और 5 साल अपन कार्यकाल बहुत अच्छा निकालीस। आज भी हर परिवार के काम करते विजेता यादव मन्नू यादव पार्षद जरूर है लेकिन विजेता ही यादव है जो 90% कामला वो है घर के नगर निगम से लेकर सब कामला ये परिवार के कामला सुख दुख के काम में बांटा तवा थे। आपन विजेता यादव जी के नाम ले आपके धर्म पत्नी है रे, पुरुष प्रधान समाज में अक्सर देखे जाते कि पति पत्नी के नाम के बाद में पति के नाम या फिर पिता के नाम ये आते, आप मन के नाम के बाद में मन्नू विजेता यादव, एकर पीछे की का मानते हो? राजनीति में आपसे बड़े हो गए या फिर आप मन सीख थो घर से? देखो नाम तो जब कोई माता पिता जन्म देते तो जब बच्चा के नाम रखते ना तो मैं पिता के नाम जुड़े रहते। यही प्रकार अब भगवान जो है और हमारे जो माता पिता पूरा समाज हमला जोड़ी बनाते तो वो जोड़ी के माध्यम से मोर विचार से और संसार के विचार से
माता पिता के साथ जब नाम जुड़े तो पति और पत्नी के नाम भी आगे जुड़े चले। ये हिसाब से आज हमन जब विजेता चुनाव लड़ी तो विजेता मन्नू यादव के नाम दिए, और आज जब हम चुनाव लड़ें तो हम अपन पत्नी छोड़ नहीं सकन जब तक के संसार है, तो ओकर नाम ला भी हमारे फर्ज है कि ओकर नाम ला आगे रखन। वही प्रकार मन्नू विजेता के नाम ये संगठन हाँ। ये परिवार जो कुशालपुर के परिवार है आगे नाम देवत आवा था हमें। अच्छा, ओकरे बना नाम है ये परिवार के जी। पिछले बार रिकॉर्ड मत से आप मन जी तो सबसे ज़्यादा वोट आप मन मिली इस वार्ड नंबर 66 में, और उस समय निर्दलीय आप मन उठे, उसके बाद में फिर कांग्रेस में आ गए। यहाँ ए पार्टी में आए से के का आपके विचार रही से काबर में आ गए हो? ओमे कारण रही से भैया कि जब मैं यहाँ आजाद चौक निवासी रहे, रायपुर के आजाद चौक हंडीपारा निवासी रहे, ब्रिजमोहन जी अग्रवाल जी हाँ पहली विधानसभा चुनाव लड़ीस, तो मोर उम्र वो समय 18-19-20 साल रही से, तब से वो भारतीय जनता पार्टी कमल फूल के नाम लेके गली गली हम प्रचार करें और काम करत आज तक आए 2018 तक। लेकिन जब हम पूर्व पार्षद रहें 2009 से 14 तक श्रीमती पार्षद रही से, ओकर बाद हम ओकर वरिष्ठ कार्यकर्ता रहें, ओकर हर दुख सुख के काम में हमू जान ओहू मन आए, और जब हम लोग बात रखें कि भैया हम आपके एक सरतम काम करवो भारतीय जनता पार्टी कमल फूल के विधानसभा में, कि आप यदि मन्नू राव जिंदा रही 2019 के एक नगर निगम चुनाव में तो आप हमला सिंबाल दो और टिकट दे के हमला अपन प्रत्याशी बना के चुनाव लड़ा हो। लेकिन वो संगठन जब 2019 में चुनाव हुई, चुनाव के नतीजा इस यानी कह मतलब जब निर्णय ली संगठन, तो मोर नाम लिया हटा दी भारतीय जनता पार्टी, मोला टिकट नहीं दीस, लगीस कि नहीं मोला चुनाव ये कुशालपुर के परिवार एक एक परिवार के कहना रहीस कि मन्नू यादव चुनाव लड़ना चाहिए। कई आदमी कई परिवार कई संगठन से अपन विचार करें, यहाँ जितना भी संगठन के हैं चाहे वो कांग्रेस रहा भाजपा रहा चाहे जो भी पार्टी रहा है, मन्नू जा को अगर मन से हाथ पैर जोड़ के निवेदन करके भी मैं चुनाव लड़ूँ आप मन के सहयोग रही, बिल्कुल सहयोग ही बेटा आप मन चुनाव लड़ो बोलीस, तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी सिंबल नहीं मिलीस, तो फिर निर्दलीय रूप में उक्त सूरत छापला हम ला के फिर चुनाव लड़ें। आज ये जनता ये परिवार यहाँ के समाज जत का भी संगठन है वो हमला यहाँ पे इतना ओर से जीते, इसे संसार देखे कि हमला कितना ओर से निर्दलीय में आज एक निर्दलीय रूप में प्रत्याशी बना के हमला पार्षद बनाए। तो कांग्रेस में इसे काला देख लो? कांग्रेस में देखे के कारण एक रही से भैया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लड़का 35 साल की जो कभी दूर से हो चाहे करीब से कभी मन नहीं पहचाना है कि मन्नू विकास के मामला का हो चाहे पारिवारिक मामला का हो चाहे वार्ड के मामला का हो, जब कोई समस्या रखन होकर करा अपन बात रखन तो ओला अनदेखा कर जाए। लेकिन जब मोला आप पार्षद बनाए इतना विश्वास भरोसा से मोला आज 3738 वोट से मोला लीड से जिताया हो, तो मैं पार्षद बन के क्या करते, मैं कहा एक जगह बैठे रहते हैं, मोला तो काम करना है परिवार के लिए वार्ड के लिए समाज के लिए हर प्रकार के मोला विकास कराना है, तो कहाँ जाते हैं ये संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन तक भी सुनी से नहीं है बात ला न समझी से मन्नू है, तो मैं कहाँ जाते हैं घर चला बार एक सियान घर में रहते तो घर अचल थे, तो मोला सियान की जरूरत रही भैया, मोर तो सरकार भी नहीं रही जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चले गए कांग्रेस सरकार आ गया यहाँ, तो मोला तो वार्ड ला चलाए बार वार्ड में विकास कराए बार मूलभूत के जितना भी समस्या है वो कर लिए सब, अरे 100 में नहीं तो हम 10% तो काम करें 20% तो विकास करावो, हमारे कर कोई रास्ता नहीं रही, तो हम मजबूरी में डायरेक्टली हम अपन पति और पत्नी सीधा भूपेश भैया कर अगेन भैया हमला पार्षद बना दे कुशालपुर की जनता प्रोफेसर कॉलोनी की जनता हनुमान नगर की जनता, तो हमला विकास कराना है, तो भैया आपसे विनती करके मैं डायरेक्टली सीधा सीधा बात रखे भूपेश भैया करा यहाँ के मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के कि भैया मोला विकास कराओ, तो मैं आपके पास बिल्कुल जहाँ पे बोलूँ वहाँ मैं पूरा काम करे तैयार हो। कांग्रेस बोली भी आश्वासन दीस मुख्यमंत्री है कि ठीक है मन्नू आप करो आज शामिल हो जाओ जो विकास चाहो आपके वार्ड में हम विकास कराबो, तो एक कारण मैं कांग्रेस में आ भैया, कांग्रेस में आए कारण और कोई कारण नहीं कि मोला कांग्रेस में जब मैं अपन विचार से गया हूँ मोला वार्ड के विकास कराना रहीस और मोला विकास होइस मोर वार्ड में, जो भी मांग करें ओकर से पुकार करें सुनीस मोर बात ल सरकार है, जितना मांग करें भले मोला पूरा नहीं दिस
मुरवाड के मूलभूत समस्या के लिए विकास करे सो। कौन कौन से ऐसे विकास हवे जे अभी तक आप मन के कार्यकाल में पूरा हुई? सबसे बड़े समस्या मुरवाड के भैया, जब थोड़ा सा भी जो ईश्वर बोलतन, भगवान बोलतन, कुदरत बोलतन, वो है जब यहाँ संसार में जो बारिश के दिन आते तो जरा से भी यहाँ जब पानी आसमान से धरती में जैसे पानी बरसते, वो समय के रायपुर के जो पानी है पूरा, और रायपुर से नहीं, वो खारू नदी कहाँ से आते, वो पानी है जहाँ से उत्पन्न हुए, वो पानी आके रायपुर महादेव घाट तक पहुँचते, और रायपुर के जो बारिश के पानी है पूरा वो कहाँ कालीबाड़ी, बैरन बाजार, सदर बाजार, सत्ती बाजार से लेकर पूरा इलाके नगर या सोनी नगर, सारी बारिश के पानी और प्रोफेसर कॉलोनी कोसालपुर में आके जाम हो जाते, जो पानी निकला नहीं। और जब बारिश होते तो हर घर में 2 से 2.5-3 फीट पानी हर घर में भरा हो जाते। तो सबसे पहली मोर मांग रही से ये सरकार से कि पानी जो बरसाती पानी निकाली के निकाले के रास्ता ला आप बना के हमला दो, ताकि ये पानी हाँ बाहर निकल के सीधा आगे चले जाए, ताकि मोर घर मन डूबे से बच जाए। ओकर लिए जब मांग करें यहाँ रायपुर नगर निगम के महापौर जो है जात देवर है, ओकर माध्यम से हम मांग करें कि भैया ये समस्या है लगी इसकी, जब बारिश हुई पहली बारिश मोर कार्यकाल के, तो महापाल ला फोन करें भैया, वो दिन गणेश जगन्नाथ भगवान निकले रही खूब बारिश हो रही, तो फोन करें भैया यहाँ पूरा हर घर में पानी भरा गए है, आप सेम आके देखो, पहली कार्यकाल पहला दौरा महापौर के, रायपुर के महापौर के, इस दंतेश्वरी दायक मंदिर में मुलाकात है, सीधा लगे प्रोफेसर कॉलोनी सुमेरू मठ, ओकर नज़र में दिखे भैया बारिश से काम करते, भैया बारिश नहीं ये है प्रोफेसर कॉलोनी कुशालपुर के सागर है, जो आप लोग सागर जाए जरूरत नहीं, जब भी बारिश हो आप यहीं सागर समझ के आ जाना, सीधा बोला वार्ड 4 सिटी तक ले गया, समस्या पूछी मैं बोले यहाँ पे नाला बनाओ ताकि पानी यहाँ से निकल सके। एक हफ्ता मतलब यह स्वीकृति करके 6,81,00,000 के एक नाला निर्माण करें रहे वालपुर सिटी में, जो कि मोर एरिया नहीं है, भले मोर जोन के एरिया है लेकिन मोर वार्ड के एरिया नहीं होके वहाँ पे 6,81,00,000 के एक नाला निर्माण करें, और रिंग रोड जो क्रॉसिंग जो अंडरग्राउंड पाइप बोला 3 जगह हम क्रॉसिंग करके पानी निकाले कोशिश करें, ये सबसे पहले वो हाँ विकास करें जी। आप मन जोन के भी अध्यक्ष हो जी, जोन नंबर 5 के, तो आपके नज़र में कौन कौन से ऐसे समस्या रही से जिला आप मन पूरा करे की कोशिश करे जोन अध्यक्ष बनने के बाद में? देख भैया जोन तो अध्यक्ष आप बना दे बोला, लेकिन हमार जोन में 7 वार्ड आते, तो 7 वार्ड के जो समस्या है वो जोन के माध्यम से ही हम सरकार ला भेजसन, नगर निगम सरकार ला भेजसन, लेकिन यहाँ जितना भी जनप्रतिनिधि है मोर 7 वार्ड में, कहीं पर भी बोला हम इशारा नहीं करन, नौकर कोई भी मांगला हम हाँ अनदेखा नहीं करन, वो जहाँ पे मांग करते बोला सरकार रायपुर नगर निगम सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से ओकर जो बजट है बोला वार्ड के स्तर में आके ओकर विकास ला कराए छत्तीसगढ़ सरकार के रायपुर नगर निगम सरकार है। अभी तक तो मोर बाकी वार्ड के बारे में तो है जो विकास सब दिखत है, लेकिन भाई मोर कहना है अगर वो क्षेत्र के पार्षद है तो ओकर जवाबदारी है कि अपन क्षेत्र ला वो मूलभूत समस्या ला वही समझाए, मोर अधिकार नहीं है, हमें भले मोर अधिकार के बना दे हो जवाबदार व्यक्ति, लेकिन बोला कहीं दूसरा वार्ड में दखल देख मोर आदत नहीं है भैया। मोर एक आदत है कि अपन परिवार यानी वामरावला के वार्ड जो भी मूलभूत समस्या बोला मैं हाँ कोशिश करूँ कि वो बोला मैं निदान कर सकूँ, करें अपन सरकार कर बहुत सारा मांग रखें, जो सरकार से बनी हमला सहयोग करीस, नाली बनवाइस, रोड बनवाइस, भवन बनवाइस, यहाँ पे मोर दो दो कई बहुत प्राचीन तालाब आपके सामने है, खोखो तालाब आज इतना प्राचीन तालाब भी आज पुरानी बस्ती रायपुर में बहुत अच्छा फेमस है, तालाब है, सुंदरता पानी है एकदम, वो समय एक समय ऐसे रहा कि आप सिक्का भी फेंकते तो पूरा दूर से दिखती, ओला सौंदर्यकरण कराएं, एक जो पहाड़ी तालाब के अभी 2.5 से 3 करोड़ के भी सौंदर्यकरण हुआ थे, जो मूल हमला चाहिए परिवार ला, आज तालाब नदी कुआं नदियां बगैर हम नहीं जी सकन, नहीं रह सकन, पानी रही तो हमारी ज़िंदगी है, पानी नहीं है तो कहाँ जीवन रही, तो पहले हम वो प्रयास करें कि यहाँ पे जो तालाब मन में आज हम हर परिवार
हर समाज ला वो तालाब और जल की जरूरत है। तो वहाँ पे हम पहले टारगेट रखें कि भाई ये पहली जो मूलभूत समस्या मेन समस्या जल, तो ओला आज सरकार है हमला बजट दे है जेकर काम ला आज हम करवावा थन, काम अभी अधूरा है, चलत है वो काम बना। शुद्ध पेयजल के बात आते, आपके वार्ड में पूरा तरीका से मिल पाते हर घर जल, शुद्ध पेयजल? शुद्ध पेयजल की बात है भैया, आज हम तो कुछ साल पूर्ववासी एक समय में बहुत पीड़ित रहे, का बार यहाँ पे जो डंगनिया पानी टंकी से सप्लाई जो आया पहली, आज 20 साल पहली मैं बात बताता हूँ, ज़्यादा वो बोल सकता हूँ लेकिन 20 साल पहली, वहाँ के जो पानी जो प्रेशर रहा है जो लेवल रहा है तो हमारे घर तक नहीं आ सका। जब यहाँ पे दिसंबर महीना चालू हुआ वो समय से दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक एक घने पानी नहीं रहा। विजेता यादव के कार्यकाल में हमार जो सरकार थे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरकार रही से मांग करें कि यहाँ पे भाई टैंकर के आश्रित वार्ड है, हम टैंकर से मुक्त कराना चाहते हैं। तो वो समय फिर हम जो शासन है सरकार रही से वो हमला पानी टंकी की योजना के हमला लाभ दिस पानी टंकी बनाएं। आज कुशाल पूर्ववासी प्रोफेसर कॉलोनी ला पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल पिए के आज व्यवस्था है, वो है नगर निगम के एक तरफ से। अभी जो अमृत मिशन जो पाइपलाइन बिछा है, पानी 24 घंटा पानी दे की योजना बनाए हैं, आज तो नज़र में अमृत मिशन कहीं पर कोई भी योजना में सफलता नहीं दिखाते। काबर जब से पाइपलाइन बिछा के जितना क्षेत्र में पानी सप्लाई करे जाते कहीं पर पानी नहीं है अमृत मिशन के द्वारा, होकर जितना कमांड एरिया पूरा फेल है। अभी हर परिवार ला पीड़ित कर दे कि आज अगर 10 गुंडी पानी भरना है तो 2 गुंडी पानी नहीं भरा है, नल बंद हो जाते, हर परिवार परेशान है अमृत मिशन की योजना से। ये जो बिजली की समस्या है इवन तो पर्याप्त है ना? नहीं, बिजली की समस्या शायद मैं यहाँ जब से विजेता यादव पार्षदरी से वर्तमान में रमेश ठाकुर पार्षदरी आज मैं पार्षद हूँ, तो बिजली की समस्या हमारे क्षेत्र में कहीं पर नहीं है भैया। हर घर में पर्याप्त तो बिजली की जितना मात्रा हमला चाहिए उतना मात्रा हर परिवार ला, चाहे वो 3 फेस रहा है चाहे वो सिंगल फेस रहा है, जितना हमला हो सकता है उकर से अधिक यहाँ पे बिजली सप्लाई यहाँ से SB द्वारा हमला पर्याप्त तो मिला। वो सब तो ठीक है लेकिन जो हमन हाँ आप मन के वार्ड के गली गली में घूमे, सब मन के कहना है पानी वानी के बारे में कि ठीक ठाक आते, लेकिन एक जिस शिकायत है आप मन के वार्ड के जो लोगन हावे उकर मन के कि साफ सफाई लेके शिकायत हावे कि साफ सफाई ठीक से नहीं हो पाए, क्या सही में है मच्छर पनपा थे ये सब बात तो आते? ये जो आपके जो वार्ड के परिवार जो हमारे वार्ड के परिवार जो आप कर बात रखे कि साफ सफाई बराबर नहीं होता, वो एकदम सत्य बात है। काबर सत्य बात है कि जब हम 2019 में चुनाव लड़े पार्षद चुनाव, तो 2019 में यहाँ पर रायपुर नगर निगम जो ठेका करते सफाई के लिए वो समय 35 कर्मचारी रही से, प्लस नियमित कर्मचारी 13 और 48 कर्मचारी रही से, उस समय आपके मतदाता के क्षेत्र 9000 के अंतर्गत रही से टोटल 12000 मतदाता रही से, अब हो गए 19000 मतदाता। ये जब परिसीमन करी सरकार आ तो इला डबल कर दे वार्ड ला, इमोर वार्ड ला डायरेक्ट डबल एक वार्ड ला यानी डबल वार्ड ला एक ही वार्ड बना दे, तो एक नाली नाला सड़क बिजली पोल सब डबल हो गए। लेकिन रायपुर नगर निगम सरकार जो 2020 में जो टेंडर करी सफाई के विषय में हम हमें आपत्ति लगाएं कि भाई ये टेंडर रद्द किया जाए, क्योंकि ये टेंडर में आप कितना का आदमी देवा था 35 प्लस 5 कर्मचारी नियमित करके, तो वहाँ पे 40 कर्मचारी हुआ थे, लेकिन आप डबल वार्ड जब वार्ड के क्षेत्र डबल कर चुके हो कर्मचारी भी होकर डबल करो संसाधन डबल करो, लेकिन रायपुर के नगर निगम के अधिकारी से लेकर जो भी जवाबदार व्यक्ति साफ बोलिस कि भाई टेंडर हो चुकी है ल करो हम आप ला फिर दे देवो टेंडर फिर आदमी बढ़ा देवो, लेकिन आज 4 साल निकाल दी भैया एक आदमी नहीं बढ़ाए। सफाई नहीं होने के कारण रायपुर नगर निगम के जो नियम अनुसार यहाँ पे हम सफाई नहीं कर पाते। हम तो आज ही मांग कर सन कि भाई यहाँ पे जब वार्ड परिवार डबल कर चुके हो संसाधन भी डबल करो कर्मचारी भी डबल करो वार्ड ले नहीं करे, तो ओकरे कारण है कि मच्छर भी हावे। हाँ, फॉगिंग मशीन घूमते फॉगिंग आज आए अच्छा 2 दिन गए फौजी फिर 4 दिन में आई,
कंटिन्यूअर फॉगिंग चलना चाहिए, एंटी लार्वा कंटिन्यूअर में होना चाहिए, ताकि एंटी लार्वा से का है जो मच्छर के जो ओकर अंडा बोलते है ना, ओकर से पैदासी होते तो कम से कम वही एंटी लार्वा से वही वह खत्म हो जाते। लेकिन एंटी लार्वा भी कंटिन्यू नहीं चला यहाँ पे रायपुर नगर निगम। तैकली आप मन शिकायत नहीं करो कि ऐसे होना चाहिए? शिकायत नहीं, हम रोज बात करते हैं अधिकारी से। तो क्या कहते हो मन? भेज रहे, दे रहे, हफ्ता में दो दिन भेज दी, पाँच दिन गायब, तो समस्या तो बढ़ गई करीब। सुनना तो आप मतलब अब हमला तो सुन भाई, हम तो वर्कर हैं, हमला सुनाबे ही करी, काबर हम काम करा था ना, काम नहीं हुए तो बोलबे ही करी कोई परिवार कि मन्नू यहाँ समस्या है, ये कार रायपुर नगर निगम के कौन से यहाँ शिव साधन दे। लेकिन अब पब्लिक यहाँ समझते हमार बात ला, बेचारा में सहयोग करा थे हर प्रकार के हमला। तो बात अगर आते हर पार्षद के काम होते कि सरकार के जो योजना है वो लोगन तक ले जाए, जो नीचे से नीचे इंसान तक के सरकारी योजना मन के लाभ मिले। आप मन जब पार्षद बने हो, जब से राशन दुकान हो चाहे एकल लिए सब चीज़ ठीक ठाक है, राशन कार्डधारी अभी ठीक ठाक है, पेंशन वगैरह जो मिलते आपके क्षेत्र में? जब से हमन ला आप पार्षद बनाए हो उस समय और वार्ड में के राशन दुकान रही अभी अभी हमारे कर रहा छह राशन दुकान है। हम मांग करें सरकार करा काबर हमारे कर जब पार्षद बनाए के बाद लगी कि आप गरीब परिवार के राशन कार्ड नहीं बने, सामान्य परिवार के राशन कार्ड नहीं बने। पिछला जो सरकार रही से वो सामान्य राशन कार्ड जो होते जिसे आप परिवार है आप परिवार हो ओकर जो सामान्य कार्ड बनते ओकर सब कार्ड निरस्त कर दे रही पिछला सरकार। तो यहाँ पे जब हमला पार्षद बनाओ छत्तीसगढ़ जो भी सरकार है भूपेश बघेल भैया वो सबके राशन कार्ड बनाना शुरू करी कि नहीं भाई राशन कार्ड होना चाहिए। कारण कि स्वास्थ्य मामला रही से कि आज सरकार जो हर परिवार के लिए आयुष्मान कार्ड बना है तो जे परिवार के राशन कार्ड है ओकरे आयुष्मान कार्ड बनना है, ओकरे इलाज होना है। एकर कारण भूपेश भैया जो ने छत्तीसगढ़ सरकार के जो भूपेश सरकार है सब परिवार के राशन कार्ड बनाना शुरू करी। अब हमारे कर संख्या 3000 राशन कार्ड ले 6000 राशन कार्ड हो गए 5 साल में। तो ओकर लिए हम फिर लगी कि नहीं भाई यहाँ पे तो लाइन लगे पब्लिक झगड़ा हुआ थे वाला तकलीफ हुआ थे तपस्या करे वो मन धूप में खड़े 4 घंटा बारिश में खड़े 4 घंटा ओला अनाज भी नहीं पाए वापस आ जाए। तो हम मांग करें भाई हमारे दुकान में अतिरिक्त यहाँ पे इतना राशन दुकान खुलना चाहिए। तो 4 दुकान अभी नए खुले आपके वार्ड में यानी 5 दुकान हो गए। फिर अभी मांग करें तो फिर अभी दुकान आने वाला है, 1 से 2 दुकान फिर आने वाला है भैया हमारे वार्ड में जो हमारे परिवार और फिर पूरा सुविधा मिल जाएगी बोला राशन के लिए कि बोला 4 घंटा खड़ा होने की जरूरत नहीं है, जाही दुकान खुल गए अपन राशन ले आ जाए। हाँ बहुत बढ़ोतरी हुआ है, 6000 मिनिमम आपके वार्ड में राशन कार्ड है। अच्छा। एक वार्ड में ये जो आवास योजना पेंशन ये सब की सुविधा मिल पाती है? पेंशन के तब ऐसे भी है सरकार जो नियम बनाए हैं कि 2007-08 छत्तीसगढ़ सरकार के वो गरीब परिवार है और वही परिवार के पेंशन लागू करे थे रायपुर नगर निगम जिन 7-8 सर्वे सूची में बीपीएल में नाम है या कि एक जाति जनगणना मरीज से जेकर नाम है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 मरीज वो में कैटेगरी दे दे अमीर गरीब है जेकर नाम हो गरीबी रेखा अंतर्गत आते हो परिवार के हम और ये परिवार मिलके हम होकर पेंशन लागू करवाता और फायदा बराबर मिला तोला। कहीं पर कोई महीना ऐसे नहीं है कि बोला पैसा नहीं मिलाते बराबर वाला, अगर एक महीना पैसा नहीं दूसरा महीना पेंशन आ जाते, अगर वो महीना कोई कारणवश पैसा फंड में नहीं तीसरा, लेकिन पैसा वाला कंटिन्यू मिला थे। रही आवास योजना, आवास योजना तो आप वार्ड में घूमे हो या मोरे साथ वार्ड में घूमूँ, हम पार्षद नहीं रहें तो और रहें तो कितना गरीब के छाया ले छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वो कर झोपड़ी ला आज छत मिले हैं जो उन गरीब परिवार आज अपन परिवार के साथ वो छत में सकुन से आ पाए। हमें ऐसे बहुत परिवार है, लगभग हम 300 परिवार के यहाँ पे आवास योजना के लाभ मिले जी। इतना कुछ करे हो आप मन है अब फिर से अब यह चुनाव में अगर आप मन खड़े हो तो, लेकिन ये वार्ड में एक ठन परंपरा जो चला आ थे एक साल अलग जीत थे दूसरा साल फिर अलग आते, ये साल ये परंपरा बदल ही या फिर वही वाले दोहराई? ये बात ला तो भैया यहाँ के हमार जो जितना हमार देवता के समान
हमार जनता परिवार है वो निर्णय ली कि वो लोग कोलना यहाँ के फिर सेवक बनाए। नहीं मोर आकलन नहीं, मतदान भी हुआ, मतदाता की विचार अभी एक साल है पार्षद चुनाव में, हमार तो सोच घर से निकल वो सोच थोड़ा चेंज हो जाते बदल जाते, फिर तो भी साल भर है लाई जला अच्छा लगी वो यहाँ की जनता फिर अपन जनप्रतिनिधि बनाई। हो सकते कि हमारे भाग्य में फिर हुई तो हम चुनाव लड़ें तो हम लोग फिर पार्षद बना सकते, हम लोग पार्षद नहीं बना भी है क्षेत्र में, अपन बेटा की तरह हम लोग जन्म देते, कोई भाई की तरह जन्म देते और बिल्कुल एक सेवक के रूप में हम लोग सेवक बना के रखते हैं। मना कभी पार्षद हम ककरो पार्षद न बन, वो सरकार के पार्षद हैं, वो नगर निगम के पार्षद हैं, हमार वार्ड के एक सेवक के मन्नू यादव हैं और वार्ड के क्षेत्र के भी जितने आसपास में वो 7 वार्ड है जिन मन्नू जानते हम ओकरो काम करते हैं भैया, कोशिश करते हैं वो आते तो ओकरो राशन कार्ड बना दे, ओकरो पेंशन बना दे, ओकरो नाली साफ करा दे, ओकरो रोड ला बनवा दे, ये हमार प्रयास थे कि हम काम ला कर सकन और करत आतन सबके आप मन के आशीर्वाद है कि हमार कोई काम ला हाथ डालें तो नहीं होने वाला बात नहीं है, आज नहीं हुई कल हुई लेकिन होते काम। चलो जात जात अपन वार्ड के जनता अगर कुछ संदेश देना चाहो हमारे माध्यम से। अब हमार वार्ड के बोले जनता नहीं कहे जाए और न मैं बोला जनता, एक कुल के देवता होते हैं, हमारे पूरा हर समाज के घर में कुल के देवता होते हैं। तो ये जो परिवार है पूरा रायपुर के वामरौला के वार्ड और आस पास में जितना लाके नगर पुरानी बस्ती चंगोरा भट्टा, ये मानता हूँ वो परिवार मोर कुल के देवता है जो मोला आशीर्वाद और शक्ति सब कुछ मोला देते। मैं बोला कभी जनता नहीं बोला, आजीवन नहीं बोला जनता, वो मन मोर कोई पिता है, कोई मामा है, कोई काकी है, कोई काका है, कोई भाई है, बड़े छोटे बटे मोर बहू है जो मोला मान सम्मान से ना भैया अने हाँ। इतना मान सम्मान तो नरेंद्र मोदी नहीं मिला थी, उतना दौलत ओकरो करा नहीं हो जितना यहाँ मोला प्यार विश्वास से इवन मोला अपन गोद में रखे, गोद में ऐसे नहीं मोला रोड में नहीं रखे यहाँ परिवार, अपन गोद में कोख में रख के मोला ये जीवन छोटे जीवन दे। लेकिन आप देखा था ये घर में, ये घर बताएं जब मोर माँ यहाँ आई 2000 में ये जमीन ला छोटे झोपड़ी लेके आज ये घर में इतना सुकून से रहता भैया, आप कभी अच्छा गर्मी माना और सुखवती यादव घर में आप घुस के देखना, मोर माँ के नाम सुखवती रीस है और मोर पिताजी के नाम स्वर्गीय जो श्रीचंद यादव रीस जी, और ये घर में आप कभी अच्छा गर्मी माना भी आयो यहाँ घुस के देखो आप कितना मज़ेदार है घर, मोर माँ बाप मोर और बना के मैं नहीं छोड़ा जीवन भर जब तक ये धरती उन्हों ना घर ला यानी छोड़वे नहीं करो, जैसे रूप में वैसे रूप में रखूँ मोर माँ बाप की निशानी महीना, ये मिट्टी के घर है भी आगे दीवाले ना अंदर हाँ। मिट्टी के दीवाले बेचारा मोर मामा बीमारी गाला गाड़ी बैला लेके चंगोरा भाटा में एक भी मकान नहीं रहीस, वहाँ खोद खोद के मट्टी लईस और पूरा मकान ना मोर मामा बना के मोर दाइल दिए जी, ये वो घर है बहुत सुकून है बोला जैसे परिवार लाके नगर वार्ड के परिवार में मैं हर घर वो लड़का हो सियान हो चाहे कि वो मोर बहू बेटा हो जी, यानी वो घर में जाए के पहले मोर शरीर हा एकदम सीना तंजत वैसे घर में आता ना वो दूर से लगते घर अंदर घुसे तान एकदम में हाँ शांति मिलती, ये परिवार और ये घर मोर लिए स्वर्ग है कहे ना जी, कुल की देवता है मन मोर। तो का कहो अपन क्षेत्र की जनता ला, अधिक साल आप मन सेवा करे हो फिर आने वाला है चुनाव। नहीं मैं ये परिवार ला अभी के तो बात होते कि कोई भी परिवार समाज में दोस्त यार में कोई काम करते तो धन्यवाद के हाँ। पात्रता रहते वाला तो धन्यवाद तो मेरा कितना करो कितनों धन्यवाद दूँ ये परिवार ला तब बोले कमी है मोर वाला जी, धन्यवाद वो परिवार के जो वाकई में मोला यहाँ तक लाने वाला, मैं एक मजदूर परिवार एक ऐसे जगह में नौकरी करत रहा जो मोला यहाँ तक आज क्षेत्र में मोर मातारी यहाँ धरती में जन्म दे कुशालपुर में लई, कुशालपुर के परिवार मोला अपन लड़का समझी आवाज वो लायक नहीं हो मोला वो लायक बना दे भैया मन में एक पार्षद बना के मोला जोन के अध्यक्ष बना दे, यही भाग्य किस्मत कि छत्तीसगढ़ सरकार आज रायपुर नगर निगम के महापौर मोला यहाँ पे और सातों पार्षद मिल के मोला जोन के अध्यक्ष बने, कुशालपुर के परिवार ला इतना धन्यवाद दो तबोल कम है मोर भाव, साक्षात सबके दाई बैठे दंतेश्वरी माता हनुमान जी बैठे शिव जी बैठे ये सबके दुख सुख के साथी मैनो
जेकर नाम लेवत हमन सबके दुख सुख के साथी जो हर परिवार ला भी अपन मंदिर अंदर से सबला आशीर्वाद देते और हमन वैसे कुशालपुर वाला बढ़िया शांति जिया था। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप मन के हमारे लिए इतनी टाइम निकाले हो। तो आप मन सुने हो वार्ड नंबर 66 से पार्षद मन्नू विजेता यादव जिला जिकर कहना है कि मैं अपन बीते कार्यकाल में बहुत कुछ काम करे हूँ, आगे भी जनता मूल विश्वास लही और जनता नहीं है मोर परिवार ऐसे ही कर कहना है। एक खास कार्यक्रम में अटके ही अगली बार हुई आप सबले फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति देव, नमस्कार।